वर्तमान मानव समाज जो अनीति अन्याय और अप्रीतिकर घटना जहाँ घटू ताकि बड़ो नीति संस्कार अभाव रे यदि मनुष्य मानकर बुद्धिजीवी मानकर ऋषि मानकर और प्राक्तन कवि मानकर जो नीति वचन गुड़िक संस्कारपूर्ण वाक्य गुड़ी जदि आम अनुकरण करवा ताहले समाज रे एक नैतिक आउ सुसंस्कृत व्यक्ति हो पार जहाद्वारा समाज संतुलित हो पार। आगामी जो नागरिक व छात्र छात्री मान संस्कारपूर्ण वाक्य गुड़ी शिक्षा लाभ करने जो ज्ञान प्रकाशर प्रयास ताको मु स्वागत करुच्छे। तेणु वर्तमान मु नीति वचन मध्य उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलह नास्ति नास्ति जागरिते भयम्। मनुष्य जदि सदसर्वदा उद्यम करे ताद्वारा ताठारे दारिद्र्य केवे रही न थाए से धनर प्राचुर्य सदासर्वदा दिन अतिवाहित करे। भगवान नाम को जदि से स्मरण करे तेरे ज्ञान अज्ञान रे करिथिवा पाप तार दूरीभूत हुए आउ से सत्य मार्ग रे सदासर्वदा रहिया पाई प्रचेष्टा करि थाए। द्वंद कलह ए दुहे समाज रे एक व्याधि आउ से व्याधि को विनाश करिबा केवल मौन द्वारा ही संभव हुए कारण मौन द्वारा ही कलह विनाश हुई थाए। मनुष्य सदासर्वदा भय करे कहा को निज आत्मा ही भय कर थाए कारण आत्मा सदासर्वदा जदि जाग्रत रहे तेबे से भय सेठार विनाश हुई थाए आ भय ताको केबे हेले ग्रास करि पारे नाही। मनुष्य जो लाभ करे ताहा बहु प्रारब्ध पुण्य बल रे ही लाभ करि थाए। तेणु ब्रह्मशास्त्र रे कह जाय छे ब्रह्म विद्या रे कह जाय छे जे नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य जो 84 लाख थर जोनि जन्म कला परे जन्म नहीं थाए ताहा केवल प्रारब्ध कर्मर पुण्य बल रे ही नरत्व लाभ करिवा एवं से नरत्व संगे संगे कवित्व लाभ करिवा बा विद्या लाभ करिवा केते जन्मर प्रारब्ध पुण्य बल रे ही आउ कवित्व विद्या संगे संगे कवित्व लाभ करिवा मनुष्यर केते प्रारब्ध पुण्य बल रे ही लाभ होइथाय। पुनि आध्यात्म बा धार्मिक शक्ति बल रे बा धर्मर पुण्य बल रे मनुष्य शक्ति लाभ करी कवित्व लाभ करिवा मध्य केते प्रारब्ध कर्मर बहु पुण्य बल रे ही लाभ होइथाय। तेनु मनुष्य प्रारब्ध कर्मर पुण्य बल रे ही आउ से पूर्वर निर्धारित होइथाय मातृगर्भर ही किपरि ताहा पुणि नीति वचन कहे जे आयु कर्म चवितंच विद्या निधनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्य तस्येव हि। आयु कर्म धन और विद्या
तथा मृत्यु यह जो मनुष्य पक्षे निश्चित ता केवल लाभ करवा प्रारब्ध कर्म अनुसार ये पंच रूप ही मातृगर्भ ही आउ निर्धारित हो जाए।